हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो रिएक्शंस जो गटरमैन ने प्रपोज की थी। एक है गटरमैन कोच रिएक्शन, एक है गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। तो जैसे उसके बारे में हम बात करते हुए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहली चीज, ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है बेंजीन रिंग की। पर्पस है CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करने का। तो गटरमैन कोच रिएक्शन का रिएजेंट क्या का है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl AlCl3 क्या करेगा? एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा जिसको बोलते हैं HCO, जिसमें कार्बन पॉजिटिव चार्ज पर है और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। और इसी तरीके से जैसे ये लोन पर इसकी तरफ शिफ्ट होगा, ये रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स में आ जाएगा। तो इसी वजह से इसमें एक स्टेबलाइजेशन है। तो ये ग्रुप जो है बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड जैसा ग्रुप है, ठीक है। अब इन जनरल रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होगा, मैंने बता दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर AlCl3 की प्रेजेंस में H+ ऐड करेंगे तो HCO पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसी तरीके से एक हमारा एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, AlCl3 यहां पर अटका रहेगा, ठीक है। अब इस स्पीसीज के ऐड करने की वजह से यहां पर हमारे पास में एक ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट AlCl4 बहुत इजीली निकलवा सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो कार्बो का टाइम जो है, जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड कार्बो का टाइम है, वो स्टेबल है। तो ये जो रिसोर्सेज है, ये एक्चुअली इसको प्रोड्यूस कराता है कि हमारा जो HCOO कैटायन है वो रिएक्शन कंडीशन में जनरेट हो। और जैसे ही ये जनरेट होता है तो बेंजीन रिंग पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तो वो इसको ऐड करके, सिंपल जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, HCHO को ऐड करके और हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज निकाल के -H+ रिलीज करके एक बेंजीन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस क्या है? रिएजेंट में यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह HCN है, ठीक है। और HCN होने की वजह से क्या होगा? तो HCN है, HCl के प्रेजेंस में और AlCl3 के प्रेजेंस में इमोनियम क्लोराइड बनाएगा। इमोनियम क्लोराइड जो है वो भी इलेक्ट्रोफाइल है, वो कार्बन इस पर अटैक करेगा और CHNH ग्रुप ट्रांसफर करेगा और उसके बाद वो हाइड्रोलाइज करेगा। तो दोनों रिएक्शन जो हैं हमारी, मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन में इस्तेमाल होती है, लेकिन इन दोनों रिएक्शन में ज्यादातर ये पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल है। देखिए, एक्चुअली में ये जो स्पीसीज जनरेट करना है कार्बन मोनोऑक्साइड की AlCl3 के साथ में रिएक्शन करके, ये स्पीसीज जनरेट करना, इट इज नॉट दैट इजी। तो ये रिएक्शन इन जनरल बहुत ज्यादा टफ रहती है, रिएक्शन कंडीशंस आर टफर और प्रोडक्ट भी उतना इजीली नहीं बनता है। लेकिन इम्यूनियम आयन जनरेट करना, इट इज ए लाइक वेरी वेरी इजी है। तो हम मोस्टली गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस इस्तेमाल करते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ये रिएक्शन चलती है। ये चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो, दोनों केसेस में चलती है ये। लेकिन जो पिछले वाली रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप की केसेस में नहीं चलती है, ठीक है, क्योंकि यही एक उसका एक मेजर ड्रॉबैक है, ठीक है। तो आई गेस ये वाला रिएक्शन भी हमने पढ़ लिया। तो आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो। प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।